There is one question. This is the arrangement of capacitor. One is 100 picofarad. इधर है तुम्हारा 200 पिकोफेरड। पिकोफेरड यानी 10 टू द पावर कितना होगा? पिको यानी क्या होता है, क्या बताया तुमने? और ये है तुम्हारा, दिस इज 100 पिकोफेरड अगेन एंड द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस टर्मिनल इज 300 वोल्ट। क्वेश्चन है आइडेंटिफाई फर्स्ट इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस। आइडेंटिफाई करना है अपने को इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस। चलो पहले इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस निकालो। कहां से स्टार्ट करोगे इसको? सर ऊपर से। कैसे इसको कैसे सॉल्व करोगे? सर हाँ हाँ ओके गुड। ये बीच वाला हो जाएगा सीरीज में। चलो इसको नाम दे दो, पहले नंबरिंग कर दो। दिस इज सपोज ये हो गया C1 C2 C3 C4, तो सबसे पहले किसको सॉल्व करोगे? C2 और C3 C2 C3 किसमें है बता दो जहीन। किसमें है, सीरीज में कि पैरेलल में? सीरीज में। ओके वेरी गुड। आयुष उसको फोन लगा दो, वेदांश को और शिवांग को। चल नंबर नहीं है, ग्रुप में है ना। हाँ। तो 1/C = 1/200 + 1/200, ये किसका हुआ? 2 और 3 को सॉल्व किए, क्या होगा बताओ? सॉल्व करो आरसी। दोनों की वैल्यू 200 है ना? हाँ दोनों की वैल्यू 200 है। सर 2/200। 2/200। 1/C23 = 2/200 यानी 1/100 यानी C23 कितना हुआ? 100 पीको फेरड। समझ में आया उसका? क्यों अनुसार जहीन? यस सर। ठीक है, तो ये दोनों का वैल्यू हो गया 100 यानी ये जो सर्किट है वो इक्विवेलेंट हो गया ऐसा। इधर भी 100 पीको फेरड, दिस इज आल्सो 100 पीको फेरड और इधर भी तुम्हारा 100 पीको फेरड और यहां पर पोटेंशियल डिफरेंस है 300 वोल्ट। अब बताओ अब कैसे सॉल्व करोगे? सर तीनों को पैरेलल सॉल्व करेंगे। तीनों को पैरेलल क्यों अनुसा? दिस थ्री आर पैरेलल और नॉट, ये पैरेलल है कि नहीं है? सर ऊपर के दो को पैरेलल में सॉल्व करेंगे। यस यस। देख आरुषि यहाँ पर ये डिसकनेक्टेड है ना, तो ये कैसे पैरेलल हो जाएगा तीनों? यहां तक देखो, यहां तक ये दीज टू आर इन पैरेलल, ये तीनों पैरेलल में नहीं है। सर दोनों फोन नहीं उठा रहे, जाने दो सोए रहे लोगों को। ये दोनों पैरेलल में होंगे क्यों आयुष? इसको सॉल्व किए 100 आया, अब ये तीनों पैरेलल में होगा क्या? सर
नहीं होगा, क्योंकि देख भाई अगर ये ऐसे रहेगा ना यहां और यहां पर तब ये तीनों पैरेलल में है, बट ये यहां से डिसकनेक्टेड है ऐसा, तो ये दोनों पैरेलल में है। समझ में आया? तो दोनों को चलो पैरेलल में सॉल्व करो, क्या होगा पैरेलल में? ये C2 3 था, C1 था, C1 2 3 इक्वल टू 100 प्लस 100 इक्वल टू 200, यानी कि इसके प्लेस पे वन सिंगल कैपेसिटर हुआ 200 पिको फैरड, और इधर हो गया 100 पिको फैरड। कौन सा वाला? C4 वाला, और ये C1 2 3। अब बताओ क्या हुआ? अब ये किसमें है? यस, गुड। अब ये हो गया सीरीज में। और क्वेश्चन भेजूंगा मैं आज पूरा संडे को, यही सीरीज पैरेलल बनाते रहना, ठीक है? तो 1/C इक्वल टू 1/100 प्लस 1/200, एलसीएम हो गया 200। ओके, ये हो गया 2 प्लस 1, 3/200, तो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस क्या हुआ? 200/3 पिको फैरड। क्लियर हुआ? तो ये तो हो गया, क्या बोलेगा? फाइंड द इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस। अब क्या बोलता है कि फाइंड द चार्ज एट पोटेंशियल डिफरेंस एट ईच कैपेसिटर। हर एक कैपेसिटर में क्या निकालना है? चार्ज निकालना है और पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है। समझ में आया? तो इसको एक काम करो, ये ऐसा जो टेढ़ा मेढ़ा है ना, पहले इसको सीधा बना दो तो ज्यादा क्लियर दिखेगा। ये इसको इक्विवेलेंट सर्किट ड्रॉ कर दो। देखो क्या किए, इसको ऐसे पकड़ के सीधा कर दिए, तो ये C4 वाला 100 पिको फैरड, C4 यहां पर है, C1 है 100 पिको फैरड, ये है 200 पिको फैरड, ये भी 200 पिको फैरड, और इसके बीच में जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो है कितना? 300 वोल्ट। ऐसा इसको बना सकते हैं कि नहीं? ये वायर को बस टेढ़ा कर दिया था कंफ्यूज करने के लिए, उसको मैं ऐसे पकड़ के सीधा कर दिया, तो ऐसा इक्विवेलेंट सर्किट बन गया। चलो अब इस इक्विवेलेंट सर्किट का टोटल कैपेसिटेंस कितना आया था बताओ? तो फर्स्ट सी इक्विवेलेंट कितना आया था? 200/3 आया था। तो ये हुआ टोटल कैपेसिटेंस। व्हाट विल बी टोटल चार्ज? टोटल चार्ज क्या होगा? क्यू इक्वल टू सी वी। टोटल कैपेसिटेंस में टोटल पोटेंशियल से मल्टीप्लाई कर दो, कितना होगा? सी इक्विवेलेंट ये है ना 200/3, वी का वैल्यू 300 कर दो। ओके, तो ये हो गया तुम्हारा 200/3 इंटू 300, 3 और 3 कैंसिल हो गया, टोटल चार्ज हो गया 20,000 माइक्रो कूलम, सॉरी पीको कूलम, सब पीको पीको चल रहा है। हो गया इतना आयुष जहीन? एक मिनट,
यहां तक आया, क्लियर हुआ यहां तक? चलो तो ये हुआ टोटल चार्ज आ गया, टोटल चार्ज 20,000 पिको कूलम्ब। अब क्या बोला है, चार्ज थ्रू ईच कैपेसिटर, हर एक कैपेसिटर के थ्रू चार्ज कितना होगा। चलो यहां से कितना इंटर कर रहा है, 20,000 पिको कूलम्ब कर रहा है ना इंटर। तो चार्ज एट C4, C4 में कितना चार्ज हो जाएगा बताओ, ये पूरा का पूरा 20,000 जा रहा है। Yes, तो कितना होगा C4 में चार्ज, 20,000 पूरा का पूरा तो उसमें इंटर कर रहा है ना, तो C4 में चार्ज हो गया 20,000 पीको कूलम। तो जब यहां पर चार्ज 20,000 पीको कूलम है, कैपेसिटेंस कितना है 100 पीको फैरड है, व्हाट विल बी पोटेंशियल अक्रॉस इट, ये तो निकल जाएगा, निकलेगा कि नहीं निकलेगा। Yes, sir. चलो बताओ क्या होगा पोटेंशियल, Q इक्वल टू सी भी होता है तो V इक्वल टू Q बाय सी, बताओ कितना होगा पोटेंशियल, Q का वैल्यू 20,000, C का वैल्यू 100, कितना होगा। क्यों अनुसार? Yes, sir, 200. हाँ ठीक है, 20,000 अपॉन 100, 200 वोल्ट, यानी C4 के अक्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो हो गया 200 वोल्ट। तो पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस C4, इसको मैं क्लीन कर देता हूं, पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस C4, इसको V4 कर दो, V4 इक्वल टू 200 वोल्ट यहां हो गया। चलो देखो टोटल यहां से यहां तक का पोटेंशियल 300 वोल्ट है, ये दोनों पॉइंट के बीच का पोटेंशियल आ गया 200 वोल्ट। व्हाट इज द पोटेंशियल बिटवीन दीज टू पॉइंट, रेस्ट कितना बचा है? समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? देखो यहां से यहां तक अभी हम लोग पोटेंशियल कितना निकाल लिए, ये आ गया तुम्हारा 200 वोल्ट C4 के क्रॉस। चलो ये 200 पिको फैरड था, ये भी 200 पिको फैरड था, अब ये दोनों पॉइंट के बीच कितना पोटेंशियल बचेगा, टोटल तो 300 है ना। Yes, sir. तो कितना बचा भाई, यहां तक 200 टोटल 300, तो इसमें कितना बचा, 100, तो ये हो गया 100 वोल्ट। तो चलो ये हो गया C4, ये इसको V1, ये दोनों पैरेलल में है, यानी यहां पर 100 है तो इधर भी कितना पोटेंशियल होगा C1 के क्रॉस, पैरेलल में पोटेंशियल सेम रहता है, बताया था मैं। yes, sir. कितना होगा पोटेंशियल उधर, 100। तो पोटेंशियल एट C1 ये हो गया V1 इक्वल टू 100 वोल्ट। तो यहां भी देखो V1 इक्वल टू 100 वोल्ट, तो जब V1 इक्वल टू 100 वोल्ट है, व्हाट इज द चार्ज एट C1 बताओ, V1 आ गया, C1 आ गया, व्हाट इज द चार्ज एट C1, Q1 का वैल्यू कितना होगा, चार्ज का फॉर्मूला क्या होता है, Q इक्वल टू सी इंटू वी होता है। तो व्हाट इज द चार्ज एट C1, Q1 का वैल्यू क्या हो जाएगा, C1 V1 कितना होगा बताओ जल्दी, अरे मल्टीप्लाई करो ना, C1 का वैल्यू 100 है, V1 का वैल्यू भी 100 है, कितना होगा, 10,000 है ना, 10,000। तो
10,000 आएगा। आया समझ में? पीको कुलम। चलो तो देखो यहाँ पे टोटल चार्ज यहाँ पर 20,000 पीको कुलम था, इसमें 20,000। अब यहाँ पर ये डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है, इस साइड कितना गया? 10,000 पीको कुलम। तो इस साइड कितना जाएगा? टोटल यहां तक 20,000 आ रहा है ना, जिसमें का 10,000 उस तरफ गया, इस साइड कितना आएगा? सर उस साइड भी 10,000 आएगा। 10,000 तो ये सीरीज में है, सीरीज में चार्ज सेम होता है, यानी ये जो ये वाले कैपेसिटर पे यानी C3 और C4 पे जो चार्ज है, Q3 भी किसके इक्वल होगा? Q4 के, और ये कितना होगा? 10,000 पीको कूलम। ओके, जितना चार्ज इसमें होगा उतना ही चार्ज इधर होगा, दोनों कितना कितना रहेगा? 10,000 पीको कूलम। समझ में आया कि नहीं आया? अब यहां से यहां तक पोटेंशियल 100 वोल्ट था, इधर भी पोटेंशियल 100 वोल्ट है, इसमें और इसमें पोटेंशियल कितना कितना होगा? इसको मैं V3 नाम दे दिया, यहां पोटेंशियल V4 दे दिया, बता दो क्या होगा? V3। चार्ज यहां पर हो गया 10,000, कैपेसिटेंस हो गया 20,000, व्हाट विल बी पोटेंशियल? Q3 अपॉन C3, Q3 का वैल्यू 10,000 है, C3 का वैल्यू 200 है, कितना होगा पोटेंशियल? वोल्ट। ओके, तो 50 वोल्ट इधर। V4 का वैल्यू भी कितना होगा? यहां भी कितना होगा पोटेंशियल? 50 वोल्ट। आया समझ में? ठीक ठीक है, इसको नोट्स बनाते जाओ और साथ साथ में सॉल्व भी किया करो। अभी मैं बता रहा हूं तो साथ में सॉल्व करते हो कि नहीं करते हो? यस सर। ओके, क्लीन कर दो इसको। ओके, तो ऐसे तुमको क्या करना है, वन बाय वन स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करोगे ना तो सारे वैल्यूज आ जाएंगे। चलो आगे देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है। चलो क्वेश्चन है, एन इलेक्ट्रिकल टेक्नीशियन रिक्वायर कैपेसिटेंस 2 माइक्रोफेरेड। देखो थोड़ा सा दिमाग वाला क्वेश्चन है, एक टेक्नीशियन है उसको टोटल कैपेसिटेंस कितना चाहिए? 2 माइक्रोफेरेड चाहिए। एक टेक्नीशियन है वो एक सर्किट ड्रॉ कर रहा है, उस सर्किट में उसको टोटल कैपेसिटेंस चाहिए 2 माइक्रोफेरेड। ओके, अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस 1 किलो वोल्ट, यानी वो पोटेंशियल डिफरेंस लगा रहा है कितना? 1 किलो वोल्ट, यानी 1000 वोल्ट का पोटेंशियल अप्लाई कर रहा है 2 माइक्रोफेरेड। ऐसा वो चाहता है कि ये कैपेसिटर रहे जिसमें पोटेंशियल कितना अप्लाई करना है? 1000 वोल्ट। ओके, और 2 माइक्रोफेरेड कैपेसिटेंस होना चाहिए। अब क्या बोल रहा है कि उसके पास क्या है, अ लार्ज नंबर ऑफ 1 माइक्रोफेरेड कैपेसिटर अवेलेबल टू हिम। बहुत सारा कैपेसिटर है उसके पास, और हर एक कैपेसिटर का वैल्यू कितना है? 1 माइक्रोफेरेड। ओके, बट उसके पास 2 माइक्रोफेरेड वाला कैपेसिटर नहीं है। कितना है? 1 माइक्रोफेरेड के कैपेसिटर उसके बहुत सारे हैं। अब उसको कैसे भी कनेक्ट करके चाहता है कितना लाना? 2 माइक्रोफेरेड, और पोटेंशियल डिफरेंस कितना अप्लाई करना चाहता है? 1000 वोल्ट। हाउ मेनी नंबर ऑफ कैपेसिटर विथ हिम? दे हैव लार्ज नंबर ऑफ कैपेसिटर ऑफ 1 माइक्रोफेरेड, ईच ऑफ विच कैन विथस्टैंड विथ पोटेंशियल डिफरेंस नॉट मोर देन 400 वोल्ट। यानी उसका हर एक कैपेसिटर मैक्सिमम कितना पोटेंशियल डिफरेंस बियर कर सकता है?
400 वोल्ट. तो व्हाट विल बी अरेंजमेंट और हाउ मेनी नंबर ऑफ कैपेसिटर ही रिक्वायर. क्वेश्चन समझ में नहीं आया? हाँ देखो यहाँ पे, चलो ध्यान से समझो एक बार. ये एक टेक्नीशियन है, उसके पास बहुत सारा कैपेसिटर है. कितने कितने माइक्रोफेरड का? ओनली 1 माइक्रोफेरड का. बट उसको कितना माइक्रोफेरड चाहिए? 2 माइक्रोफेरड उसको लाना है. आया समझ में? तो क्या करेगा, इन्हीं को आपस में कनेक्ट करेगा ना. कैसे कनेक्ट करेगा? 1 माइक्रोफेरड से 2 लाने के लिए किस में कनेक्ट करेगा? सीरीज की पैरेलल? पैरेलल पैरेलल में कनेक्ट कर देगा. चलो इतना समझ में आ गया. बट उसको पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई करना है कितना? 1000 वोल्ट. और उसके पास ये जो कैपेसिटर है ना, वो 400 वोल्ट से ज्यादा झेल नहीं पाएगा. यानी 400 से थोड़ा ज्यादा हुआ तो कैपेसिटर उसका डैमेज हो जाएगा. तो व्हाट विल बी अरेंजमेंट एंड हाउ मेनी नंबर ऑफ कैपेसिटर ही रिक्वायर. चलो एक बार देखते हैं, कितना कैपेसिटर है उसके पास? बहुत सारे हैं. कितने माइक्रोफेरड के? 2 लाने के लिए क्या करना पड़ेगा उसको? इसको कौन से कॉम्बिनेशन में कनेक्ट करना पड़ेगा? पैरेलल. हो गया ये 2 माइक्रोफेरड, हुआ कि नहीं हुआ? अब इसके क्रॉस उसको पोटेंशियल कितना अप्लाई करना है? 1000 वोल्ट. चलो ये 1000 अप्लाई कर दिया, तो ये वाले कैपेसिटर पे पोटेंशियल कितना होगा? पैरेलल में है तो कितना होगा बताओ? ये 1000, इस पर भी कितना होगा? 1000. बट ये कैपेसिटर कितना पोटेंशियल झेल सकता है? 400. तो 1000 में क्या होगा? 400 माइनस. अरे 1000 में वो रुकेगा क्या? डैमेज नहीं हो जाएगा? डैमेज हो जाएगा. तो अब कैसा करोगे? अगर मैं 2 कैपेसिटर, चलो ये यहां पर मेरे को 1000 तो लगाना ही है, चलो 1000 में अप्लाई करके छोड़ दिया 1000 वोल्ट. अगर मैं 2 कैपेसिटर सीरीज में कर दूं 1 माइक्रोफेरड का, टोटल 1000 वोल्ट में अप्लाई कर रहा हूं, व्हाट विल बी पोटेंशियल एट दिस एंड दिस? कितना कितना होगा? डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा ना, इक्वल इक्वल. yes, कितना कितना जाएगा? 500 500 500. अभी भी डैमेज होगा कि नहीं होगा? होगा सर. हो जाएगा डैमेज. अगर मैं 3 को कर दूं कनेक्ट, अब कितना कितना जाएगा? 1000 वोल्ट लगा दिया हूं. तो हर एक कैपेसिटर 333 डैमेज होगा क्या? नो सर, इसमें डैमेज नहीं होगा. ठीक है चलो. तो मैं चलो कनेक्ट कर दिया अपना जो ये है. अब डैमेज तो नहीं होगा क्योंकि 400 वोल्ट से कम आएगा एक के ऊपर, 333 आएगा. चलो तो व्हाट विल बी इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस ऑफ दिस 3 कॉम्बिनेशन बताओ. तो ये जो 3 सीरीज में है, व्हाट विल बी इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस? कहाँ लगाए थे पैरेलल वाला? ये तो मैं बता रहा हूँ ना कि भैया अगर दोनों पैरेलल है, अगर मैं ऐसे लगा देता हूँ पैरेलल वाला, तो 2 माइक्रोफेरेड तो हो जाएगा, बट पोटेंशियल तो उस पे 1000 आएगा ना. इसपे भी 1000, इसपे भी 1000, तो अपना एक कैपेसिटर तो डैमेज हो गया क्योंकि दिस कैपेसिटर कैन नॉट बियर मोर देन 400 वोल्ट. 400 वोल्ट से ज्यादा नहीं झेल पाएगा, पहले बोल दिया है. ओके यस सर.
अगर मैं दो सीरीज में करता हूं तो एक में 500, एक में 500, अभी भी वो डैमेज हो जाएगा। अगर थ्री सीरीज में करता हूं तो 333, 333, 333, अब वो डैमेज नहीं होगा। बट ये सीरीज में करने पे इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस कितना आ रहा है? थ्री कहाँ से आएगा? सीरीज में सॉल्व करो, सीरीज में वन अपॉन सी इक्वल टू वन अपॉन वन प्लस वन अपॉन वन प्लस वन अपॉन वन, थ्री हो जाएगा। सी इक्वल टू 1/3 माइक्रो फैरड नहीं आएगा? टू आया क्या? अपने को तो टू चाहिए ना, कितना चाहिए अपने को रिजल्टेंट? टू चाहिए। बट ये वन, इस टाइप का वन लाइन अरेंजमेंट में कितना आ रहा है कैपेसिटेंस? 1/3। अगर मैं ऐसे ही वाला एक और अरेंजमेंट कर दूं नीचे, तो ये ऊपर वाला 1/3, नीचे वाला भी 1/3, अब क्या होगा? दोनों का सम पैरेलल में हो गया ना, 2/3। 2/3, अभी भी 2 नहीं आया, एक और कर दो। चलो अब कितना आएगा? 3/3, 1, अपने को 2 चाहिए। ऐसे ही करते जाओ, चलो कितना आया? 4/3, ये कितना आया? 5/3, एक और लगा दो। चलो अब कितना आया बताओ? 6/3, आगे 2। आ गया 2। तो हाउ मेनी नंबर ऑफ कैपेसिटर रिक्वायर्ड हियर? 1, 2, 3, 4, 3, 3, 6, 3, 9, टोटल कितना है? नंबर ऑफ कैपेसिटर इक्वल टू 18, इन विच थ्री कैपेसिटर आर इन सीरीज इन ईच लीनियर अरेंजमेंट एंड सच टाइप ऑफ सिक्स अरेंजमेंट आर इन पैरेलल। आया समझ में? क्यों आरुषि, क्लियर हुआ? चलो ठीक है, ओके। चलो तो वैसे ही क्वेश्चन मैं दे रहा हूं। एन इलेक्ट्रिशियन रिक्वायर्ड इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस ऑफ, जल्दी बनाओ, ऐसे ही खुद ही बनाओ। चलो, एन इलेक्ट्रिशियन रिक्वायर्ड इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस ऑफ 2 माइक्रो फैरड। देयर आर लार्ज नंबर ऑफ 1 माइक्रो फैरड कैपेसिटर अवेलेबल विथ हिम विच कैन नॉट विथस्टैंड विथ कैपेसिटेंस मोर देन 250 वोल्ट। यानी एक कैपेसिटर 250 वोल्ट से ज्यादा नहीं झेल पाएगा, उसको चाहिए 2 माइक्रोफेरड कैपेसिटर अक्रॉस 1000 वोल्ट। वॉट विल बी अरेंजमेंट एंड हाउ मेनी नंबर ऑफ कैपेसिटर रिक्वायर्ड? चलो बनाओ, वैसे बन जाएगा ना। चलो बनाओ, अभी जल्दी बनाओ, सॉल्व करो। उसके पास 1 माइक्रोफेरड का लार्ज नंबर ऑफ कैपेसिटर है, हर एक कैपेसिटर बियर कर सकता है मैक्सिमम 250 वोल्ट। एंड ही रिक्वायर टू माइक्रोफेरड अक्रॉस 1000 वोल्ट। कैसे अरेंज करोगे बताओ? वन सीरीज में हाउ मेनी नंबर ऑफ कैपेसिटर? फाइव। कैसे? 1000 यहां पर मेरे को अप्लाई करना है ना, ये चलो 1000 हो गया,
अगर 1 2 3 4 फोर रहेगा तो हो गया 250 250 250 आ गया, उतना तो वो बियर कर रहा है ना। तो वन लाइन में फोर कैपेसिटर अरेंज कर दिए इन सीरीज, इज हैविंग वैल्यू 1 माइक्रो फैरड, 1 माइक्रो फैरड, 1 माइक्रो फैरड, 1 माइक्रो फैरड, 1 माइक्रो। तो व्हाट विल बी इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस ऑफ दिस सीरीज कॉम्बिनेशन? क्या होगा इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस? वन बाई फोर। चलो 1/4 है, अपने को चाहिए 2 माइक्रो फैरड। तो हाउ मेनी टाइप ऑफ सच अरेंजमेंट? 1/4 एक लाइन में, 1/4, तो ऐसा कितना लाइन होना चाहिए? टू के लिए 8/4 होना चाहिए ना। तो हाउ मेनी नंबर ऑफ सच टाइप ऑफ लाइन? टू। टू में तो 2/4 हो जाएगा, एक का 1/4। तो टू आ गया, तो ऐसे कितने लाइन रहेंगे? फोर कहाँ, फोर में तो 4/4 1 हो गया, अपने को 2 चाहिए ना। ये हो गया 1/4, ये भी 1/4। कितना? 32 कैपेसिटर। हाउ मेनी कैपेसिटर इन ईच सीरीज? हर एक सीरीज में कितना? 4 कैपेसिटर। एंड हाउ मेनी सच टाइप ऑफ सीरीज आर कनेक्टेड इन पैरेलल? 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 रहेगा ना, तब तो होगा 1/4 1/4 1/4 1/4 1/4 1/4 1/4। 8 टाइम रहेगा, 8 करोगे 8/4 8/4 यानी 2 माइक्रो फैरड। तो हाउ मेनी नंबर ऑफ कैपेसिटर आर देयर 4 × 8? 8 पैरेलल है, 4 इन सीरीज, तो 8 × 4 जब कितना होगा? 32 कैपेसिटर। ओके, ठीक है, बन जाएगा क्वेश्चन अब ऐसा वाला। ओके, इनफाइनाइट सीरीज वाले क्वेश्चन कल बताया था मैं, बन जा रहा है ना। इनफाइनाइट में अपन एक को अननोन ले लेते हैं, यानी इक्विवेलेंट सी ले लोगे, जैसे सपोज दिस इज इनफाइनाइट सीरीज, ईच हैविंग वैल्यू 1 माइक्रो फैरड, हर एक कैपेसिटर का वैल्यू 1 माइक्रो फैरड है, एंड सच इनफाइनाइट नंबर ऑफ अरेंजमेंट इज देयर, व्हाट विल बी इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस बिटवीन ए एंड बी? ये हर एक वैल्यू 1 1 1 है। चलो बताया था मैं, क्या करोगे सबसे पहले? सपोज ये टोटल सीरीज का कैपेसिटेंस है सी। अब अगर इसमें से इतना पोर्शन हाइट कर दो तो भी तो सेम टाइप अपीयर हो रहा है कि नहीं हो रहा है? यस सर। तो ये टोटल का सी है, तो इतने का भी कैपेसिटेंस कितना होगा? सी होगा, यानी ये टोटल वैल्यू हो गया सी। चलो अब इसको सॉल्व करो, ये और ये पैरेलल में है, व्हाट विल बी कैपेसिटेंस? सी प्लस वन, तो ये हो जाएगा तुम्हारा सी प्लस वन। आ रहा समझ में? अब ये सी प्लस वन वन और ये वन किसमें है? सीरीज में है, तो व्हाट विल बी इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस? 1/1 + 1/1 + 1/C + 1। ओके, ये भी किसके इक्वल होगा? सी के इक्वल होगा कि नहीं होगा, क्योंकि टोटल तो सी है ना। यस सर। समझ में आया यहां तक? यस सर।
क्यों आयुष? ओके जहीन, समझ में आया तेरे को? ओके चलो, तो ये 1 + 1 ये हो गया तुम्हारा 2, तो 1/c इक्वल टू c+1 और ये हो जाएगा 2c+2+1 यानी 2c+3/c+1। चलो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दो, तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करोगे तो क्या हो जाएगा, ये तुम्हारा हो गया c+1 इक्वल टू c × 2c+3। आगे इसको सॉल्व कर दो, ये हो गया 2c² + 3c = c+1 और 2c² - 2c - 1 = 0। आगे c का वैल्यू निकाल लोगे, जो फॉर्मूला था ax² + bx + c = 0 से क्या होता है, x = -b + -b² - 4ac² √2a। चलो यहां पर a का वैल्यू कितना है, 2 है, b का वैल्यू है 2, c का वैल्यू है -1, तो c = -b यानी -2 + -√b² 2 का स्क्वायर -4, a का वैल्यू 2 और c का वैल्यू -1/2a, 2 × a का वैल्यू 2, तो -2 + -√4 + 8/4। कर लोगे सॉल्व ना आगे? यस सर, यस। तो 8 + 4 12 हो गया, 12 को लिख दोगे 2√3। अब क्या करना है, क्या बताया था मैं, कैपेसिटेंस कभी भी निगेटिव नहीं होता, इसलिए ओनली प्लस साइन लोगे, -2 + 2√3/4 सॉल्व करोगे तो 2 2 कैंसिल, -1 + √3/2 ये तुम्हारा आएगा इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस। ओके क्लियर हुआ? ठीक है, तो इनफाइनाइट वाला ऐसे सॉल्व कर लोगे। अब चलो एक क्वेश्चन देखो, सिंपल क्वेश्चन है, थोड़ा सा बस समझना है, आइडेंटिफाई करना है सीरीज और पैरेलल। फाइंड द इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस ऑफ द कॉम्बिनेशन के बीच फाइंड करना है इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस। हर एक कैपेसिटर का वैल्यू है चलो 1 μF। हाउ यू कैन सॉल्व, फर्स्ट आइडेंटिफाई सीरीज पैरेलल C1 C2 C3 C4 C5 C6। चलो बताओ कौन सा सीरीज कौन सा पैरेलल। C1 C3 क्या है? सीरीज में, सीरीज इसको सीरीज बोलेंगे। C1 C2 सीरीज में है क्या? नहीं है, क्योंकि यहां से देखो ये एक वायर बाहर निकला हुआ है। C1 C3 हो सकता है क्या पैरेलल में? देखो इसका ये वाला पॉइंट एक जगह, ये वाला पॉइंट एक जगह, हो सकता है कि नहीं? इसको मैं ऐसे बना सकता हूं कि नहीं बना सकता हूं?
ये वाले वायर को उठा के इधर रख दिया, क्यों? ठीक है, सिमिलरली C5 C6 को भी ऐसे ही कर सकते हैं, ठीक है? अब ये सॉल्व हो जाएगा, ये दोनों पैरेलल में है, कितना आएगा आंसर? 2 हो गया, ये हो गया 2 माइक्रोफेरड। ये दोनों पैरेलल में है, कितना आएगा आंसर? 2 माइक्रोफेरड। अब ये और ये सीरीज में है, क्या होगा आंसर? कितना आएगा? 1/2 1/2 + 1, ऐसा होगा ना, यानी 3/2, तो C का वैल्यू 2/3 होगा ना सीरीज में। यस सर। तो ये तुम्हारा हो गया 2/3, ये भी कितना होगा? 2/3, ये भी 2/3। अब ये दोनों पैरेलल में कितना होगा? फोर बाय थ्री। तो आंसर आ गया C=4/3, ठीक है? यस सर। ठीक है, ओके। तो तुम लोग लगता है घर में प्रैक्टिस नहीं कर रहे हो, इसीलिए ये प्रॉब्लम आ रहा है। जो क्वेश्चन भेज रहा हूँ बना रहे हो उसको? तो फिर क्यों नहीं बनता, यहाँ पे आइडेंटिफाई क्यों नहीं कर पाते हो सीरीज पैरेलल? चलो देखो एक और सर्किट जो आता है, देखो इसको बोलते हैं व्हीटस्टोन ब्रिज, व्हीटस्टोन ब्रिज। क्या बोलेंगे? व्हीटस्टोन ब्रिज, DGE। देखो क्या होता है, सपोज सर, सर ऊपर नहीं दिख रहे सर। अभी ठीक है? चलो तो ये अगर सर्किट इस टाइप का है, C1, C2, C3, C4 और C5, ऐसा 2 पॉइंट है A और B, बोलेगा फाइंड द इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस बिटवीन A एंड B, ओके? तो दिस टाइप, इसमें देखो ये सीरीज भी नहीं है, ऐसा नहीं कि ये सीरीज में है, सीरीज पैरेलल भी नहीं है, ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है। तो इस टाइप का जो सर्किट है दैट इज कॉल्ड व्हीटस्टोन ब्रिज। क्या बोलेंगे इसको? व्हीटस्टोन ब्रिज। अब क्या करेंगे, इसमें चेक करोगे कि C1/C2 = C3/C4 हो रहा है कि नहीं हो रहा है, यानी C1/C2 = C3/C4 है कि नहीं। मैक्सिमम केस में यस रहता है और वो होगा ही, ओके? C1/C2, सपोज ये 5 है ये 10 है, तो ये 5 हो गया ये 10 हो गया, सपोज ये 10 है और ये 20 है, तो बताओ ये वाले केस में है कि नहीं है C1/C2 = C3/C4? C1/C2 का वैल्यू क्या आएगा ये वाले केस में? 5/10। कितना होता है 5/10? 1/2। और C3/C4 कितना होगा बताओ? 10/20।
टेन बाई ट्वेंटी, टेन बाई ट्वेंटी यानी कितना होगा? वन बाई टू, तो है कि नहीं? है ना? तो इसको बोलेंगे दिस इज द बैलेंस्ड व्हीट स्टोन ब्रिज। क्या कहलाएगा ये? बैलेंस्ड व्हीट स्टोन ब्रिज। अब यहां पर कुछ भी रहे, सपोज यहां पर 20 माइक्रो फैराड है, अपने को उससे कोई मतलब नहीं है। इफ दिस सर्किट इज बैलेंस, ये डायगोनल वाले को हटा दो। अब क्लियर हो गया। अब ये दोनों सीरीज, ये दोनों सीरीज जो आंसर आएगा पैरेलल बन जाएगा। तो कब होगा ये? जब ये बैलेंस विथ स्टोन ब्रिज है, यानी सी वन अपॉन सी टू इक्वल टू सी थ्री अपॉन सी फोर चेक करना है। इफ दिस इज इक्वल दैट मीन्स दिस इज बैलेंस विथ स्टोन ब्रिज। तो डायगोनल में जो भी सर्किट है, जो भी कैपेसिटर है, उसको सीधा रिमूव कर देना है। अब चलो सॉल्व करो इसको। 10 और 5 सीरीज में है, व्हाट विल बी आंसर? 1 अपॉन सी इक्वल टू 1 बाई 5 प्लस 1 बाई 10, एलसीएम हो गया 10, 2 प्लस 1 यानी सी इक्वल टू 10 बाई 3, यानी इसका तुम्हारा आ गया 10 बाई 3। चलो ये क्या होगा बताओ? 10 बाई 3, अरे नीचे वाला भी 10 बाई 3 हो रहा है। 1 बाई सी इक्वल टू 1 बाई 10 प्लस 1 बाई 20, एलसीएम आ गया 20, 2 प्लस 1, 20 बाई 3 होगा ना? यस सर। नीचे वाला हो गया 20 बाई 3। अब ये दोनों पैरेलल में हैं, क्या हो जाएगा? 10 बाई 3 प्लस 20 बाई 3 इक्वल टू 30 बाई 3 यानी 10 माइक्रो फैराड। आया समझ में? यस सर। ठीक है, चलो इतना रहन दो, क्वेश्चन में भेजूंगा उसको। पूरा संडे के लिए तुम्हारा होमवर्क रहेगा, तो सारे क्वेश्चन बनाओ। ओके okay?